और उन सरप्राइजेस को उन चेंजेस को हम किस तरह से अपनी प्रिपरेशन में इंक्लूड करें ताकि अगर जून 2024 का एग्जाम सेम ग्राउंड्स पे रहे या उससे भी मुश्किल रहे तो हम ईजिली उसे क्रैक कर पाए ईजिली जे आर एफ के सपने को अचीव कर पाएं इस बार अगर आप देखेंगे तो जब आप स्टूडेंट से इंट्रैक्ट करेंगे हर कोई कहेगा कि सर बहुत सारे नोमेरिकल्स पूछे गए थे ओके oh, okay. बहुत सारे क्वेश्चंस इकोनोमेट्रिक्स से पूछे गए ओके okay. बहुत सारे क्वेश्चन मैथमेटिकल इकोनॉमिक से पूछे गए ओके okay. ये तो आपको बहुत लोगों ने बताया होगा लेकिन क्या किसी ने यह बताया कि इस बार क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं थे मतलब अगर आपके पास कॉन्सेप्चुअल नॉलेज इन डेप्थ कॉन्सेप्चुअल नॉलेज नहीं है तो आप अभी सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि पढ़ते ही आंसर कर पाए ऐसे क्वेश्चन का काउंट काफी कम था आज इस सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एक कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिनको आप फर्स्ट एंड पे जब देखेंगे फर्स्ट रीडिंग में बहुत आसान लगेंगे लेकिन जब आप उसे सॉल्व करने बैठेंगे तब आपको समझ आएगा कि इन डेप्थ नॉलेज होना हर टॉपिक की कितनी जरूरी है अब आप सब लोग क्या कर रहे हैं माइक्रो पे बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं वो बहुत न्यूमेरिकल्स आए इकोनोमेट्रिक्स आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे लेकिन कुछ एरिया जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स पब्लिक इकोनॉमिक्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जिन्हें हम बहुत ईजी मानते हैं इंडियन इकोनॉमी जो हमें लगता है बहुत ईजीली हम कर लेंगे उसमें जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए या इन डेप्थ जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आज इस सेशन में कुछ क्वेश्चंस की मदद से आपको सीखने को मिलेगा कि किस लेवल तक जाकर हमें चीजों को कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप प्री पीडीएफ्स डाउनलोड करना चाहते हैं फ्री क्विजेस अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो इस कोड को स्कैन कीजिए एंड ऑन दी बाइजूज योर प्रिपरेशन गिव यू एन एक्स्ट्रा एज ओवर एक्सर अदर कैंडिडेट सो दैट यू कैन क्लियर द एग्जाम ये क्वेश्चन देखिएगा सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री मेंटेन्स फिक्स एक्सचेंज रेट विच इज डिवाइन विच इज डिफाइंड नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी पर यूनिट फॉरन करेंसी ओके समझ आया

कौन लेगा सही डिसीजन इंडिपेंडेंटली बिना किसी एक्सटर्नल फैक्टर को दिमाग में रखे हुए सेंट्रल बैंक ले सकता है इन फिक्स एक्सचेंज रेट लेकिन आज के डेट में क्या इंडिया फिक्स एक्सचेंज रेट मेथड फॉलो करता है नहीं वी आर फॉलोइंग फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट टू बी वेरी प्रोसाइज मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट अब क्वेश्चन ये है कि अगर मार्केट डिमांड सप्लाई पे देखें तो वन डॉलर इज सेवेंटी रुपीज लेकिन इंडिया की करेंसी ओवर वैल्यूड है बिकॉज ऑफ सेंट्रल बैंक अगर ऐसा है तो इसका मतलब इंडियन करेंसी इज डॉलर इज इक्वल अगर आप कहें मार्केट डिमांड सप्लाई पर तो इस पर इंटरनेशनल मार्केट में ट्रांजेक्शन हो सकती है एज पर द डिमांड एंड सप्लाई लेकिन लेकिन ड्यू टू सेंट्रल बैंक नॉर्म्स इंडिया में वन डॉलर इज इक्वल टू सिक्सटी रुपीज ये सिनारियो है अब अगर ये सिडारियो है तो उसमें अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया इन दिस कॉन्टेक्स्ट इंडिकेट द काइंड ऑफ इंटरवेंशन रिक्वायर्ड बाय सेंट्रल बैंक टू मेंटेन द पैरिटी अब सेंट्रल बैंक कैसे पैरिटी लाएगा देखो अगर आपके डॉलर्स की वैल्यू 60 रुपीस है इंडिया में और मार्केट में हमें पता है कि इसकी वैल्यू होनी चाहिए थी ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट डिमांड एंड सप्लाई दैट इज 70 तो उसका मतलब क्या हुआ सर इसका मतलब ये हुआ जो डॉलर सेवेंटी का था वो आज इंडिया में अवेलेबल है कितने में सिक्सटी रुपीज में तो हर कोई अपनी डिमांड बढ़ाएगा कि क्यों ना हम अपनी डिमांड बढ़ा ले और डॉलर खरीद ले क्योंकि डॉलर आज हमें इंटरनेशनल मार्केट कंडीशन या मार्केट मैं कहूँ फैक्टर्स के बेसिस पर जितने का मिलना चाहिए था उससे कम वैल्यू का अवेलेबल है अब हमें अरेंज करना है कि आर या सेंट्रल बैंक क्या स्टेप्स लेगा ताकि इस पैरिटी को मैनेज कर पाए तो सबसे पहला सबसे पहला पॉइंट क्या होगा सर सेंट्रल बैंक के ऊपर जो सबसे पहली चीज आएगी वो क्या सर जो गैप है बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड फॉर करेंसी वो है नहीं सर इक्वलाइज तो अभी करना है तो एक्सचेंज रेट इज लोअर देन दी मार्केट क्लियरिंग एक्सचेंज रेट ये सही है ये सही है कि आपका जो एक्सचेंज रेट है वो मार्केट एक्सचेंज रेट से अलग है बिकॉज ऑफ द एक्सचेंज रेट मेथड तो यहां से कहानी शुरू हुई

From its own reserves. अगर ऐसा होगा अगर ऐसा होगा तो इससे जो डिमांड और सप्लाई में गैप था वो पूरा हो गया और आखिरी में लास्ट क्लोजिंग सेगमेंट क्या होगी सेंट्रल बैंक का जो स्टॉक ऑफ फॉरन करेंसी है वो क्या हो गया डिप्लीट हो गया अब देखिए जरा ये जरूर आपने पढ़ा होगा फिक्स एक्सचेंज रेट क्या होता है उसमें क्या डिफरेंस है इन कंपेरिजन टू फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट लेकिन क्या इतनी डेप्थ में कभी आपने सोचा था पढ़ते समय कितनी डेप्थ में जाकर आपने क्वेश्चंस को रिव्यू किया था आई एम प्रीटी श्योर आपने नहीं किया होगा इसीलिए इसीलिए इस सेशन में मैं आपको यही बताना चाहता था कि इफ यू वांट टू क्लियर द एग्जाम नाउ यू नीड टू बी वेरी थरो विद द कॉन्सेप्ट्स क्वेश्चन देखो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पे क्वेश्चन है लेकिन चार पांच लेयर नीचे जाकर आपको उसका आंसर मिला वो चार पांच लेयर उसने आपसे खुलवाई कि पहली कंडीशन क्या होगी सर मार्केट एक्सचेंज रेट और इंडिया में एक्सचेंज रेट का डिफरेंस होगा या फिर ये कहो मार्केट फैक्टर्स के बेसिस पे एक्सचेंज रेट कुछ अलग है इंडिया में रेट कुछ अलग है ये पहला केस हमने मार्क किया बी ऑप्शन उसके बाद डिमांड फॉर फॉरन करेंसी बढ़ी ए ऑप्शन डिमांड बढ़ी तो अब सेंट्रल बैंक को पैरिटी लानी है तो सेंट्रल बैंक विल इंक्रीज दी सप्लाई जैसे सप्लाई बढ़ाई डिमांड और सप्लाई बराबर हो गए लेकिन एंड रिजल्ट क्या हुआ सेंट्रल बैंक का जो स्टॉक ऑफ फॉरेन करेंसी है वो डिप्लीट हो गया दैट इज इज द रीजन आंसर फोर मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन से आपकी आंखें जरूर खुली होंगी कि सिर्फ इकोनोमेट्रिक्स ही इंपॉर्टेंट नहीं है सिर्फ मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स ही इंपॉर्टेंट नहीं है सिर्फ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि जो भी यूनिट आप पढ़े वो इन डेप्थ जाकर आप उन यूनिट्स को पढ़े ताकि ये चार पांच लेयर्स तक आप अपने क्वेश्चन को समझ पाए और उसका आंसर कर पाए अब क्वेश्चन ये है कि सर अगर ये सिनेरियो है और इस तरह के हालात हैं, तो आपके हिसाब से एक लर्नर को क्या करना चाहिए तो मेरे हिसाब से लर्नर को हर एक यूनिट को बहुत थॉरली कवर करना होगा इन डेप्थ जाकर पढ़ना होगा जिसके लिए मल्टीपल बुक्स फॉलो कर सकते हैं मैं बहुत बार आपको बुक्स की लिस्ट दे भी चुका हूं आप उस लिस्ट को फॉलो कीजिएगा लेकिन <coughs> अगला क्वेश्चन ये है कि सर बोलना बहुत आसान है कितनी सारी बुक्स फॉलो कर लो डू यू थिंक कि गिवन टाइम पांच महीने में इन सारी बुक्स को फॉलो करना आसान होगा ऑब्वियसली आसान नहीं होगा मैं कहूंगा इंपॉसिबल है तो इसको पॉसिबल कैसे बनाएं यू कैन मेक इट पॉसिबल विद बायजूज एग्जांपल बिकॉज़ हमने यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के लिए बैच 2 लेकर आए बैच हमारा आया था ट्वेल्थ दिसंबर को आपके एग्जाम वाले दिन की एग्जाम दीजिए अगले के लिए प्रिपेयर कीजिए फिर भी अगर आप एक मंथ अपना वेस्ट कर चुके हैं सो यू हैव ऑलरेडी लॉस्ट मंथ और आप एक महीना ऑलरेडी पीछे हो चुके हैं उन स्टूडेंट से जो ऑलरेडी हमारे साथ प्रिपेयर करना स्टार्ट कर चुके हैं तो और लेट मत होइए है जनवरी को ये बैच लाइव हुआ है इसमें अभी दो ही क्लासेस हुई है दो ही क्लासेस हुई है और इन दो क्लासेस में बहुत ही डिटेल में इन दो क्लासेस में बहुत ही डिटेल में हमने कुछ कुछ टॉपिक्स को कवर किया आप जाइए हमारे इस बैच को देखिए इसकी जो प्रीव्यू क्लासेस है वो देखिए कितनी डेप्थ तक जाकर हम आपके साथ टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो देखिए और जो जो नोट्स है आपको हर यूनिट के लिए हर चैप्टर के लिए मिलेंगे वो पंद्रह सोलह बुक्स का निचोड़ है मिक्सर में डाला बुक्स को मिक्स किया और आपके लिए बेस्ट पार्ट लाकर दे दिया ताकि आप पांच महीने में रिक्वायर्ड लेवल रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड या रिक्वायर्ड डिमांड ऑफ द एग्जामिनेशन को मैच कर पाए अब बेस्ट पार्ट ये है कि अगर आप चाहते हैं इस बैच में एनरोल करना देन दिस इज द राइट मोमेंट टू डू इट बिकॉज़ 13th और 14th ऑन द ओकेजन ऑफ लोरी वी एट बाईजूज़ एग्जाम प्रेप वी हैव ब्रॉट यू दिस पर्टिकुलर बेनिफिट वेयर यू कैन यूज अ कोड कोड क्या है उड़ान UDAN आपके सपनों की उड़ान तो उड़ान 40 अगर यूज़ 40 आप यूज करेंगे यू विल गेट अ आप डिपेंड करता है कि आप कितनी थॉरली कितनी सीरियसली कितनी डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन करेंगे आई एश्योर यू आप पहले अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं लेकिन टू तो बी वेरी सेफ आप बारह महीने का सब्सक्रिप्शन लीजिए ताकि ताकि अगर इस बार आपका असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाता तो अगली बार आपका जे जरूर हो लेकिन फिर से कहूंगा अगर आप मेरे अकॉर्डिंग चले स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग आपने हर क्लास को फॉलो किया जो होमवर्क दूंगा वो कंप्लीट किया जो टास्क दूंगा वो कंप्लीट किया यू हैव अ चांस टू क्लियर दिस एग्जाम इन जून 2024 ट्वेंटी इट्स सो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरी अपकमिंग वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे और इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए एंड आई विल बी कैचिंग यू ऑल इन माय नेक्स्ट सेशन कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा क्या आपको ये थॉट या ये नज़र एग्जामिनेशन की अच्छी लगी क्या आपने इस नज़र से डिसम्बर 2023 के एग्जाम को देखा था या सबकी तरह न्यूमेरिकल्स और इकोनोमेट्रिक्स और मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में ही बिजी थे तो देखा था अच्छा लगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा आई विल बी catching you all in the upcoming sessions hope to see you live in my upcoming sessions to go thank you so much guys good luck god bless you